अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दी गल्फ़ जॉब इन्फो। आज के इस वीडियो में कतर की बड़ी ज़बरदस्त सी जॉब्स लेकर हम हाज़िर हुए हैं। ये मैं बताना चाहूँगा कि जो आज के इस वीडियो में जॉब्स हैं वो लेबर टाइप की कोई जॉब्स हैं, लेबर टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं आज के इस वीडियो में। जो दोस्त अप्लाई करना चाहते हैं, जिनकी तालीम कम अज़ कम इंटर तक या ग्रेजुएशन बेस आपके पास अवेलेबल है, तो आप ज़बरदस्त से ये आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर दोस्त भी अप्लाई कर सकते हैं, तजुर्बेकार दोस्त भी अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशंस कुछ इस तरह की हैं दोस्तों, ये भी बताते हैं। मगर आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मज़ीद डिटेल और आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सकें। तो आज के इस वीडियो में जो जिक्र करेंगे दोस्तों, तो वो है ये पोजीशन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि लेबर इनको चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 1000 कतरी रियाल आपको जो है सैलरी दी जा रही है, 300 के फूड अलाउंस के तौर पर, अकोमोडेशन अलाउंस के तौर पर आपको दिया जाएगा। और कतरी रियाल आपको 1000 सैलरी जो है दे रहे हैं, ओवर टाइम भी प्लस करके देंगे। और 8 घंटे ड्यूटी होगी भाईजान, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। और इसी के साथ ओवर टाइम, खाना पीना, रिहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, ये तमाम सहूलतें आपको जो कंपनी की तरफ से दी जाएंगी, ये तसल्ली रखें। और इंटरव्यूज़ जो हैं वो दोस्तों जारी हो गए हैं। लेबर के तौर पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 100 तादाद में इनको बंदों की ज़रूरत है लेबर में। वहाँ कोई कंपनी है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, वहाँ पर आपकी लार्ज क्वांटिटी में सीट्स अवेलेबल हैं, आप आज ही अप्लाई कर सकते हैं। और गल्फ रिटर्न्स जो बंदे हैं उनको भी जो खास रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों, ये अदनान मलिक किस कंसल्टेंसी की डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप इनसे आज ही रابطہ कर सकते हैं। ये दोस्तों लेबर के लिए आप यहाँ पर इनसे रابطہ कर सकते हैं। कतर की ये जॉब्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं। एक और एक कटिंग में यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि दोस्तों, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर पोजिशन अवेलेबल है। तनख्वाह 1800 तक आपकी सैलरी दी जाएगी कतरी रियाल, और आप अपनी करेंसी के मुताबिक इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले भी रابطہ कर सकते हैं। रابطہ करने से कोई हर्ज नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं होगी आपको। पाकिस्तानी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और PKR में करेंसी में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि कितना सैलरी पैकेज आपका बन रहा है। इससे क्या होता है कि मूड बन जाता है बंदे का अप्लाई करने का और रोज़गार करने का। तो 1800 तक सैलरी है आपको दोस्तों मिल रही। कतर में ज़रूरत है सिक्योरिटी गार्ड की, और 26 दिन काम होगा, 4 दिन मंथली आपको छुट्टी मिलेगी, या वीक में एक दिन छुट्टी ले लें तो ये भी कंपनी की तरफ से आपको छूट दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर 20 तादाद में सीट्स अवेलेबल हैं सिक्योरिटी गार्ड की, लाइसेंस अवेलेबल है सिक्योरिटी गार्ड का आपके पास, तो ये गुड हो गया ना। तो किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस आपने जो है वो लेना है, तो वो भी इनसे रابطہ करके आप पूछ सकते हैं। या इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में मैं ये आपके साथ भी डिस्क्राइब करूँ कि किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस आप जो वो ले सकते हैं। CV सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, और यहाँ पर आप आज ही रابطہ कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर मज़ीद डिटेल शेयर कर दी गई है। और वाज बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर FA BA तक आपकी तालीम है, तो आप रابطہ करें, और ग्रेजुएशन बेस भी चल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों 5 फुट 8 इंच तक कद जो है आपका होना लाजमी है सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन के लिए। 22 साल से उम्र ज़्यादा हो, 33 साल से उम्र ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और साथ ही साथ इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि रिहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी तमाम सहूलियात आपको कंपनी की तरफ से दी जाएंगी। तो CV ईमेल करें या कॉन्टैक्ट के ऊपर इनको सेंड करें या रابطہ करें, आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी इनकी डिटेल आप मौजूद है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने ये डिटेल नोट की होगी, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अपने भाई साजिद अली को आज अपनी दुआओं से दीजिएगा इजाज़त। मेरी गुजारिश यही है फिर भी आपके साथ, के चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ घंटी को बजाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली डिटेल आप तक पहुँचती रहे। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।